और बड़ी खबर आपको बता दें, लंच टाइम में घंटों गायब रहने वाले कर्मियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सरकारी ऑफिस में आधे घंटे से ज्यादा लंच ना हो, ऐसा सीएम योगी का कहना है। और लंच के बाद तुरंत काम पर लौटे सभी कर्मचारी, ये सीएम योगी का कहना है। अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचे, लेट लतीफी करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो सीएम ऑफिस को लगातार मिल रही है शिकायतें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। अनिल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। अनिल, जो एक हिलावाली देखने को मिलती थी आधे घंटे का अब लंच होगा, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और इसके इससे ज्यादा अगर कोई रुकता है तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए सरकारी कर्मचारियों से आपका भी वास्ता पड़ा होगा, सबका वास्ता पड़ता है, और काम को लेकर जितने डेडिकेटेड नहीं होते हैं उससे ज़्यादा डेडिकेटेड वो लंच को लेकर ले होते हैं। दुश्मन देश भी हमला कर दे तो भी वो अपना लंच पोस्टपोन नहीं करते हैं, और लंच का टाइम उनका कोई निर्धारित नहीं होता है। जाते तो 1 बजे हैं, लौटेंगे कब उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री को भी जा रही थी, सीएम कार्यालय में पहुंच रही थी। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है जो प्रशासनिक सुधार के रूप में से देखा जा सकता है, कि प्रशासनिक सुधार के लिए उन्होंने निश्चित कर दिया है कि आधे घंटे से ज़्यादा कोई कर्मचारी लंच नहीं करेगा, और आधे घंटे अपना जो लंच टाइम के बाद जाएगा लंच करके उसे फिर वापस अपने सीट पर आना होगा। अब देखिए, सरकारी कर्मचारी आसानी से मान जाएं, सुधर जाएं, ये आसान काम नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, तो उनको भी कोई ऐसी व्यवस्था भी बनानी होगी जो मॉनिटर करे कि इसका कितना पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो बाकी सरकारी कर्मचारी कैसे शासनादेश की धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हालाँकि मुख्यमंत्री को लेकर डर रहता है लोगों में, क्योंकि सख्त प्रशासक हैं वो और कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो निश्चित इसका असर पड़ेगा, लेकिन असर तभी बेहतर पड़ेगा जब इसकी मॉनिटरिंग भी होगी और औचक निरीक्षण विभागीय अधिकारी विभागीय मंत्री करेंगे कि कर्मचारी लंच के बाद कितने देर में लौट रहे हैं।